राकेश इंदौलकर, केंद्रीय विद्यालय OCA फावड़ी से, वर्क एजुकेशन टीचर। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान विद्यालय पूर्ण रूप से सुनसान पड़े हुए हैं, पर उसी दौरान मैंने अपने रूम में आकर आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को रूम को क्लीन किया। टॉपिक का नाम है क्लीन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास वर्क एजुकेशन क्लासरूम। अब आप देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है कि बच्चों के द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट हैं उन बच्चों को उनको दिखाने के लिए कि उन्होंने कितने अच्छे ढंग से वर्क एजुकेशन के प्रोजेक्टों का निर्माण करते थे। वो भिन्न भिन्न जो विद्यालयों में एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी विद्यालय की एक्टिविटीज़ में बच्चे पूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये CD के द्वारा बच्चे जो प्रोजेक्ट स्कूल में लाया करते थे, फाइल के द्वारा जो बच्चे प्रोजेक्ट स्कूल में लाया करते थे, ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पर आज मैं ये कहूँगा कि CD के माध्यम से जो ये प्रोजेक्ट बच्चों ने दिए थे, आज ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों को इन्हीं CD-ओं का यूज़ करना है, पेन ड्राइव का यूज़ करना है, और जो जो मटेरियल उनको टीचर्स के द्वारा प्राप्त हो रहा है G Suite, गूगल मीट और गूगल क्लासरूम के माध्यम से, उसका वह सदुपयोग कर सकते हैं। कुछ पुराने, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कैनर रखा हुआ है, फैक्स मशीन रखी हुई है, पुराने कंपोनेंट्स और डिवाइस यहाँ पर बच्चों को डेमो के लिए रखे गए हैं। ये यूरेका फॉक्स का एक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर आल्सो हेयर, और साथ में ही अभी क्योंकि स्कूल इतने जल्दी नहीं खुलने वाले हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस चलने वाली हैं, और उसी दौरान विजुअल इंस्पेक्शन भी विद्यालयों का होगा, ऑनलाइन विजुअल इंस्पेक्शन होगा, तो उस दौरान ये जो मैं आज 8 जुलाई को ये वीडियो स्कूल में आके आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से भी अपन बच्चों को स्कूल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी बात को अपने अधिकारियों तक बता सकते हैं कि हम किस तरह से क्या कार्य कर रहे हैं। ये इंडिविजुअली मेरा खुद का जो मुझे अभी तक प्रोत्साहन मिला है केंद्रीय विद्यालय और समस्त भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से, उसका ये एक डेमो है। यहाँ पर वो सभी चीज़ें रखी हैं जो आवश्यक हैं। वर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि विद्यालय में बच्चों को हर तरीके से संपूर्ण मानसिक रूप से उनका विकास करता है। मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटी दी, प्राचार्य श्री पी शक्तिवेल सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।